If alpha and beta are the zeros of the polynomial, then find the value of the following. Alpha square plus beta square, alpha upon beta plus beta upon alpha, alpha square beta plus alpha beta square. तो अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं किसी पॉलिनोमियल के, अल्फा बीटा जीरोज हैं किसी पॉलिनोमियल के, वहां पर रूट्स भी लिख के आ सकता है या सॉल्यूशन भी लिख के आ सकता है, कंफ्यूज ना होइए कि तीनों बातें एक ही हैं। ये इक्वेशन दी है और आपको अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट भी निकालना है, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ये सारी चीजें निकालनी है। अलग अलग क्वेश्चन हमने बता रहे हैं। सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है सामान्य जोड़ना, सब इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। अब बी क्या होता है, ए क्या होता है, आपको पता होना चाहिए जो एक्स स्क्वायर के पहले लगा होगा वो ए होगा हमेशा, चाहे एक्स स्क्वायर वाला टर्म बाद में लिखा हो चाहे पहले लिखा हो, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है जो उससे चिपका हुआ है वही ए है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो बी है उसके साइन के साथ, अगर माइनस लगा तो वो माइनस बी की वैल्यू माइनस थ्री है, यहाँ भी माइनस लगा होता तो ए की वैल्यू माइनस टू होती है, नहीं लगा तो ए की वैल्यू प्लस टू है, ये होता है सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए, एक्स के बगल वाला बी, माइनस में है तो माइनस समेत लेंगे, प्लस में है तो प्लस में लेंगे, वरना ये सी कॉन्स्टेंट जो है सी। आपने फॉर्मूला लगाया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या है माइनस थ्री, फॉर्मूले में भी माइनस लगा था तो दो दो माइनस लग गया, ठीक है, माइनस थ्री अपॉन ए की वैल्यू टू रखी, माइनस माइनस प्लस हुआ थ्री बाई टू आ गई। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगाया सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है फाइव, ए की वैल्यू टू, फाइव बाई टू दोनों प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी नंबर के पहले उसका साइन होता है तो फाइव बाई टू। उसके बाद अगला क्वेश्चन था अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा प्लस अल्फा, मतलब सॉरी अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा निकालना था। हमेशा जब भी बीच में प्लस या माइनस लगा होता है तो डिनोमीटर का एलसीएम लेते हैं, है ना, तो अल्फा बीटा का एलसीएम हमेशा अल्फा बीटा ही आता है, फिर इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होता है अल्फा स्क्वायर हो जाता है, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होता है बीटा स्क्वायर हो जाता है, बीच में प्लस लगा था लगा रहन दिया। अब ये चीज़ देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन गई और अपॉन नीचे एलसीएम है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की तो वैल्यू पता है आपको, ये देखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है लेकिन, और अल्फा प्लस बीटा की पता है लेकिन यहाँ पे क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी दोनों पे स्क्वायर लगाए, यहाँ पे क्या है दोनों पे स्क्वायर लगाए। मुद्दा ये है अगर ये होता कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखते होल स्क्वायर लगा देते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी तो ये एक सवाल अलग से भी आ सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की होल की वैल्यू पता है हमको क्या है थ्री बाई टू, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर थ्री बाई टू रखा, स्क्वायर लगा था लगा दिया, माइनस टू यहाँ पर मल्टीप्लाई छुपा होता है अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई छुपा, मल्टीप्लाई को डॉट भी कह सकते हैं पॉइंट, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है फाइव बाई टू, तो आपने टू इंटू फाइव बाई टू रख दी, इस टू से ये टू कट सकता है, कट गया क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई था इसलिए कटा, टू वन द टू, टू वन द टू, थ्री का स्क्वायर नाइन हो गया, टू का स्क्वायर फोर, ये होल स्क्वायर है इसका मतलब स्क्वायर इस पर भी है इस पर भी है, माइनस फाइव वन द फाइव अपॉन वन, ठीक है। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, फोर और वन देखिए बीच में माइनस लगाओ, एक तरफ वन हो बीच में प्लस या माइनस होता है तो डिनोमीटर का एलसीएम लेते हैं हमने बताया था, तो इन दोनों का एलसीएम जो है फोर वन द फोर ही आएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे जब एक तरफ वन होता है, फिर वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस फोर को इससे, वन नाइन ज़ा नाइन माइनस फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी, ठीक है, नाइन में से ट्वेंटी जाएगा माइनस का इलेवन बचेगा क्योंकि उल्टा कर रहे हैं, ट्वेंटी में से नाइन जाता तो प्लस का इलेवन बचता, नीचे फोर लिखा था लिख दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस इलेवन बाई फोर आ गई, ओके। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, ये सवाल इत्तेफाक से इसमें भी फंस रहा है, तो ये जो वैल्यू आई है ये उठा के हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह रख देंगे और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता ही है फाइव बाई टू है ये रखा। अब चार जब चार फ्रैक्शन होते हैं तो चौथा नंबर पहले वाले से मल्टीप्लाई होता है, तीसरा नंबर दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होता है, करने के लिए क्या करना है ये पहले वाला फ्रैक्शन पूरा साफ साफ उतार लो, उतार लिया, टू को इलेवन से मल्टीप्लाई कर दो, फाइव से फोर को यानी टू ऊपर फाइव नीचे, टू वन द टू, टू टू द फोर काटा मिट्टी में जाइए, इलेवन वन द इलेवन, टू फाइव द टेन, माइनस में आ रहा था माइनस में आ गया। उसके बाद निकालना था वो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, देखिए दोनों में क्या कॉमन है अल्फा बीटा दोनों कॉमन है, अगर आप अल्फा स्क्वायर में कॉमन लेंगे तो यहाँ स्क्वायर नहीं लगाए, बीटा स्क्वायर में कॉमन लेंगे तो यहाँ स्क्वायर नहीं लगाए, तो अल्फा बीटा कॉमन लिया बचा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है आपको फाइव बाई टू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है थ्री बाई टू, कट तो रहा नहीं है ऊपर नीचे तो सामने सामने मल्टीप्लाई, सामने सामने मल्टीप्लाई, फाइव थ्री फिफ्टीन अपॉन फोर, तो आई होप समझ में आ गया होगा सबके सारे पार्ट।
ये सारे फॉर्मूले जो दिए हैं बुक में ये याद कर लिए, अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर वैल्यू निकालनी हो, अल्फा माइनस बीटा प्लस होल स्क्वायर की निकालनी हो, या इनमें से किसी की निकालनी हो क्यूब वाले की, ठीक है। लॉजिक पता लगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पता होना चाहिए, बाकी आप सब कर लेंगे, ठीक है। अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा से कन्फ्यूज ना होइए, ठीक है।